2017 में हो रहा था, जो एक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ साजिश हुई उसको निकाला गया और उसके कई सबूत भी मौजूद हैं। तो नवाज़ शरीफ आज अपना ये कहना चाहता है कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब से भी बात की है और मरियम नवाज़ शरीफ से भी बात की है। तो ये ख़ुद दोनों ये नहीं कि मैं उनको कहा है तो उनको इस बात का एहसास हुआ है, इनको पहले से ही एहसास है और ये पिछले 5-6 माह से इन्हीं लाइंस पे सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के इस मज़लूम जो तबका है उसको किस तरह से हम आसूदगी दें, किस तरह से हम उसको सुकून दें और किस तरह से रिलीफ दें ताकि उनका बोझ हम बांटें, बोझ बांटें और उनको बेयारो मददगार ना छोड़ दें। और मैं अपने उस दुख की वजह से आज इतने अरसे के बाद फिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ कि मुझसे ये सूरत हाल देखी नहीं जाती, मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। और दिन रात मैं इनसे यही बात करता हूँ कि इस सिचुएशन को, चाहे अब ख़राब हुई है, जिसने भी ख़राब किया है उनके बारे में मैं कह चुका हूँ कि उनका मुहासबा होना चाहिए, मगर ये अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको ठीक करें और आवाम को सुकून दें ताकि वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी गुजार सकें। तो उस हवाले से जो है वो शहबाज़ शरीफ साहब ने अभी कुछ अरसा पहले जो वो 100 से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, जो कि गालबन अरबों रुपए का रिलीफ है। इसी तरह से